तो रतलाम की दो बत्ती चौपाटी है, वहाँ पे माहौल सज गया है। बहुत से लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, जो कि अपने जायके का सफर यहाँ पे जो है पूरा करते नजर आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? और वैभव पारक। वैभव क्या करते हैं आप बेटा? हार्डवेयर की शॉप है। वैभव ये बताओ, देश की राजनीति अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या टेस्ट करने आए हैं आप? बिया का सैंडविच, वर्ल्ड फेमस है। अच्छा ये बताइए कि ये सैंडविच तो बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ। राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन सा नेता अच्छा लगता है और क्यों लगता है? भाजपा नेता नरेंद्र जी मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। कौन से काम उनके अच्छे लगते हैं आपको? उन्होंने मतलब जो 60 साल में कार्य वो सब कार्य उन्होंने करके दिखाया है उनकी सरकार ने। इस बार क्या लगता है, माहौल क्या लगता है, कितनी सीटें जीतेंगे, कौन सी पार्टी आएगी? बीजेपी 400+। बीजेपी 400+ आएगी क्या बात? आप भी वोट देते हैं? कौन सी? अच्छा ये बताइए, अच्छा वोट आपने इसके विधानसभा में दिया होगा पहला वोट। अच्छा क्या सोच, जब वोट करने जाते हैं युवा हैं आप, क्या आपके मन में होता है, क्या सोच के वोट देते हैं? अरे क्षेत्र का विकास के देख के वोट देने आते हैं। हाँ लोकसभा का चुनाव वोट देने जाएंगे? हाँ। क्या रहेगा दिमाग में, क्या रहेगा? देश का विकास देख के जाएंगे। देश का विकास देख के यहाँ लोग, ये लोग जो जो वोटर है, जो युवा वोटर है वो जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल महफिल सज गई है यहाँ से वहाँ तक के, आप देख सकते हैं कि रतलाम में भी खान पान के जो शौकीन है वो लोग बड़ी संख्या में। सर एज ए युवा आप क्या क्या बेहतर क्या लगता है आपको, क्या टेस्ट करने आए आप यहाँ पे? सैंडविच। सैंडविच अच्छा लगता है आपको। राजनीति की बात करो तो कौन सी पार्टी और कौन से नेता अच्छा लगता है? मोदी जी। क्या वजह है उनमें? वो क्वालिटी है। अगर क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई अपोजिट में कोई दूसरा उनके नेता, कोई ऐसा नेता है नहीं कि जिसको अपन वोट दे सकें। मोदी जी ऑल ओवर इंडिया में जो विकास देखेंगे आप, कितना अच्छा विकास हो रहा है आज की तारीख में अगर इंडिया में बात करें तो अपन, और पहले इंडिया कहाँ था आज कहाँ हो गया है पोजिशन में बात करें तो, उसको देखते हुए मोदी जी द बेस्ट ऑप्शन। मोदी बेस्ट ऑप्शन। राहुल गांधी विपक्ष से कितनी उम्मीद है आपको? जीरो। क्वालिटीज ही नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें देखता ही नहीं हूँ प्रधानमंत्री के रूप में। आप कुछ लोग और भी है मैम, आप बताएं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, वोट तो देने जाते हैं आप लोग, वोट देते? अच्छा ये बताइए, वोट देने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा इस बार? मन में तो क्या, वो जो अच्छा नेता होगा उसी को ही वोट देंगे, सोचेंगे तो भाई कि जो अच्छी पार्टी होगी उसी को ही वोट दें हम। अच्छा क्या माहौल लग रहा है देश में, क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का ही लग रहा है। मोदी जी। अच्छा आप बताएं मैम, क्या ये क्या मतलब क्या पसंद है आपको, खाने में क्या पसंद है? सर हम तो सब खा लेते हैं, यहाँ का सैंडविच फेमस है तो अभी ये खा रहे हैं। पार्टी कौन सी पसंद, नेता कौन सा पसंद है? बीजेपी। क्यों ऐसा, क्या महिलाओं के लिए क्या क्या खाया, क्या नहीं किया है? सब कुछ करा है महिलाओं के लिए उन्होंने, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत सारे अच्छे मतलब मुख्यमंत्री ने भी करा है, प्रधानमंत्री ने भी करा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था शिवराज सिंह जी ने तो। वृद्धों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, अच्छा लाडली बहना चलाई है। लाडली बहना का लाभ मिलता है? नहीं मुझे तो नहीं मिल रहा है। खैर ठीक है, तो बीजेपी से प्रभावित है, यहाँ का सैंडविच फेमस है, और जो पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी और यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री वो फेमस है। कुछ युवा यहाँ और खड़े हुए हैं। सर क्या टेस्ट कर रहे हैं आप, क्या पसंद है आपको? पिज्ज़ा खा रहे हैं सर। पिज्ज़ा खा रहे हैं आप, तो पिज़्ज़ा पसंद है आपको मतलब? क्या बात है। तो चल मैं अगर मैं राजनीति की बात करूँ, राजनीति के लिहाज से कौन सी पार्टी पसंद है और कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है, क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में इस साल वही होगा जिस साल हर बार मोदी जी कर रहे हैं, EVM हैक हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, बट जीत बीजेपी रही है हर जगह। ये हैक हो रही है अब, ये तो जनता भी जान रही है, आप भी जान रहे हो, सब जान रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है? विपक्ष भी लगा रहा है, जनता भी कह रही है। 400 पार बोल रहे हैं इस बार होगा ऐसा? EVM अपनी हो तो कुछ भी हो सकता है सर। हो सकता है सर, आप बताएं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं देख के। वोट तो करने जाते हैं, हो गया? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा इस बार क्या जहन में रहेगा आपके वोट करने जब जाएंगे तो, मन में क्या रहेगा जब वोट करने जाएंगे? देखना तो एक ही तरफ जा रहा है अभी तो जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ हम आगे जा रहे हैं, और क्या है। अच्छा ऐसा, तो विपक्ष से कितनी उम्मीद है? विपक्ष में बहुत सारी बातें होती है, और कौन सा मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा? विपक्ष बचा गया सर, विपक्ष में कोई नया चेहरा आएगा तो बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे। जब तक विपक्ष में नया चेहरा नहीं आएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। राहुल गांधी जो नया चेहरा है अभी, इनका नया गठबंधन बना है विपक्षियों का, कितनी उम्मीद लगती है? गठबंधन मतलब एकता कहाँ आई है, वीडियो नहीं देखेगा आपने अभी तक? सब दुनिया देख रही है, आप नहीं देख रहे शायद। मैं तो सब देख रहा हूँ, तो जानता भी बहुत कुछ हूँ मैं आपको, 10 बातें और ही बता सकता हूँ मैं तो आपसे। मैं तो आपकी बात जानना चाह रहा हूँ। वही सर, और कुछ भी नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ऐसे चलता रहेगा। विपक्ष से बहुत ज़्यादा इनको उम्मीदें नहीं है। सर आप तो शूट कर रहे हैं तो बता भी दीजिए, क्या शुभ नाम है आपका? ईशान। ईशान क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूं। बिजनेस करते हैं आप ईशान, एज अ बिजनेसमैन क्या सोचते हैं बेटा, क्या
कितना चेंज लगता है आपको पहले की गवर्नमेंट में और अभी की गवर्नमेंट में, क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है? काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। आपने बीजेपी की सरकार में सब चीज़ें अच्छी हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, और भी अब आगे जो भी होगा, अब उनकी रणनीति नई जो बनेगी वो हिसाब से बताएंगे। क्या फैक्टर्स लगता है जो इस बार प्रभावी रहेंगे, इस पूरे चुनाव में प्रभाव डालेंगे? अभी तो ऐसा कुछ देखा नहीं है ज़्यादातर, बट हाँ यही सब है कि यूथ को जितना आगे बढ़ाना है, सब चीज़ें करना है, रोज़गार प्रोवाइड करना है। सरकार से काम जी जी सरकार के काम से कुछ लोग या कुछ दिखाई दे रहे हैं। मैम सैंडविच खाएंगे या फिर पिज़्ज़ा खाने आए हैं आप, क्या खाने आए हैं? कोल्ड कॉफी पसंद है आपको? हाँ जी। अच्छा बताइए, अगर मैं देश की राजनीति की बात करूँ आपसे, कौन सी पार्टी पसंद है, कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? मुझे बीजेपी पसंद है आपको। अच्छा कोई काम बताएंगे जो आपको अच्छा लगा बीजेपी का, कोई नेता जी का काम अच्छा लगा आपको? अभी तक तो सारा ही काम अच्छा है बीजेपी का, मोदी अच्छा लगता है इसीलिए। जीतेंगे वो? हाँ बिल्कुल, मोदी जी आएंगे, इनको कोल्ड कॉफी पसंद है। साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी की मैंने इनसे बात करी तो मोदी जी पसंद है, मोदी जी के काम से यहाँ बहुत सारे लोग मुझे प्रभावित दिख रहे हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे जायके का जो है वो टेस्ट लेने के लिए पहुँचते हैं हर बार, रतलाम की दोबट्टी ये जो चौपाटी। मैम क्या टेस्ट करने आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ सैंडविच सेंड करने आई हूँ मैं जी, जी, जी। और बहुत अच्छा, पहले भी आ चुके हैं हम। सैंडविच अच्छा लगता है आपको जी? राजनीति की अगर मैं बात करूँ आपसे, कौन सी पार्टी, कौन से नेता और कौन सा दल आपको प्रभावी लगता है इस बार राजनीति में? बीजेपी सही लगता है। क्या? विकास हो रहा है और सब चीज बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए बीजेपी। कुछ काम बता पाएंगे आप, अच्छे बड़े काम? रोडें अच्छी हो गई हैं, सड़क, पानी, नल, बिजली, सब व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा। तो महिला सुरक्षा कितनी है? महिला सुरक्षा भी है जी, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन हो गया बहुत और सेफ है सब अभी। कोई बड़े काम दो बीजेपी के जो आपको प्रभावी लगते, बहुत आपको जैसे प्रभाव लगता है बहुत ज़्यादा, दो बड़े काम राम मंदिर बन गया है और धारा 370 और राम मंदिर बना है। सर आप बताएं, आप तो बड़े अनुभवी खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, क्या लगता है इस बार प्रदेश की चुनाव में? अच्छा प्रदेश में 29 सीटें हैं, कितनी बीजेपी ले आएगी इस बार, कितनी कांग्रेस ले आएगी? लगभग अधिकतर तो बीजेपी की सीट ही रहेंगी एमपी में। एमपी में क्या, ऑल इंडिया में लगभग बीजेपी ही आएगी इस बार भी। बड़े काम है जिसको देख के लोग वोट करेंगे? मैन राम मंदिर, धारा 370 और आवास योजना, गरीबों को बहुत लाभ मिला आवास योजना में, है ना, और वो काफ़ी चीज़ बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने पिछले 10 साल में। विपक्ष से कितनी उम्मीद है? विपक्ष तो नहीं लगता इस बार समथिंग। जब मैम आप बताएं, आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं सवाल सुन के ही, तो क्या बता पाएंगे आप, बता आप वोट करने जाते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल जाते हैं। अच्छा इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा इस बार? मन में हो गया यही सब चीज़ें रहेंगी जो लेडीजों के लिए जो सब सुविधाएं बीजेपी ने दी है, काम बता रहे थे कौन कौन से, और आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, है ना, सड़क है, पानी, उज्ज्वला योजना है, इतनी सारी योजना है जो है ना, हाईवे लाइनें सब जगह आजकल है ना, पूरे छोटे छोटे गांवों से निकल गई हैं, बस वही इसी को लेके है। हाँ काम अच्छे लगे आपको? अच्छा हाँ, सरकार बन जाएगी? हाँ हमको तो यही लग रहा है कि अब यही बीजेपी की ही सरकार रहेगी, विपक्ष तो नहीं लग रहा मुझे। विपक्ष से उम्मीद क्यों नहीं, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा विपक्षी गठबंधन है, लेकिन पहले जैसा कहाँ उनका रहे, अभी तक तो उन लोग कुछ भी नहीं किए, जो बोलते हैं करते कुछ और है उनके। बोलते हैं करते कुछ और है, कुल मिला के जो महिलाएं हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रही हैं बीजेपी के कामों से, और उम्मीद यही जता रहे हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश और देश की राजनीति में अपना परचम लहराएगी। रतलाम के नमकीन के साथ ही रतलाम का ये जो गोला है ये बहुत ज़्यादा फेमस, और ये देखिए बाकायदा इसके ऊपर एक के बाद एक कलर डाल के, नए नए रंग डाल के, नए नए टेस्ट बना के लोग यहाँ पे खाते हैं, और ये देखिए रबड़ी वाला, ये कौन सा गोला बना रहे भैया, कौन सा गोला कहते हैं इसको? गिलास है। रबड़ी ड्राई फ्रूट गिलास। अच्छा रबड़ी ड्राई फ्रूट गिलास, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग, आज तो थोड़ी जगह मुझे दिख रही है अमूमन, यहाँ खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और अपने रबड़ी गोले का यहाँ आनंद लेते हैं। ये यूथ मुझे दिखाई दे रहा है, चलिए चलिए आप लोग तो टेस्ट ले ही रहे हैं। सर हमेशा आते हैं यहाँ खाने के लिए? नहीं अभी अभी आए हैं। अभी अभी आए हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए क्या पसंद है इसमें, क्या पसंद है आपको? लड्डू पसंद आया, दोस्तों से भी सुना था इसलिए खाने आए। अच्छा यहाँ तो लड्डू पसंद है। राजनीति की अगर मैं बात करूँ
तो राजनीति के लड्डू कौन सी पार्टी इस बार खाएगी, क्या लगता है इस बार आप? बीजेपी क्यों खाएगी? बीजेपी फिक्स है, क्या अच्छा लगता है बीजेपी में आपको? यहाँ तो आपको रबड़ी पसंद है, वहाँ क्या पसंद है? काम कर रही है, मोदी पसंद है हमको तो। मतलब जिस तरह की रबड़ी का राजा, अपने गोले का राजा रबड़ी है, वैसे ही मोदी जी आपको कहीं ना कहीं भाए हुए हैं। बड़ा आप पढ़ते हैं, वोट करते हैं आप? नहीं अभी नहीं, अभी तो वोट नहीं करते, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते होंगे आप राजनीति। कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी तो लगते हैं अच्छे हैं। उनके आने के बाद विकास आया, देखने को मिला है, दैट्स व्हाई। ये क्या डलवा रहे हैं आपको? हाँ ये क्या डलवा रहे हैं इसके अंदर? ये गुलाब है। अच्छा, रस डाला है। तो ये रस का रंग कौन सा रंग का रस है? ये लाल पसंद है आपको जी? तो नेताजी मोदी, तो मोदी इनको पसंद है, पीएम मोदी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो युवाओं की पहली पसंद, बहुत सारे लोग पहुँच गए। आपका गोला आपके हाथ में नहीं दिख रहा है, आप खड़े हुए, इनको दीजिए भाई रबड़ी गोला दीजिए इनको। सर क्या 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 खाने आए हैं आप यहाँ पे? ये रतलाम का बहुत प्रसिद्ध है रबड़ी का, बर्फ़ का लड्डू, बर्फ़ का गोला जिसको बोलते हैं। युवाओं की बात करूँ मैं, आपको रबड़ी का गोला पसंद है, युवाओं की बात करूँ, इस बार आप तो बीजेपी से भी आते हैं और मुझे लगता है कि इस बार सरकार कितनी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? देखिए आप आज जायके की बात करें तो अभी देश में एक ही जायका चल रहा है, मोदी जी का जायका। निश्चित रूप से जो हमारा 400 पार का संकल्प है वो 100% पूर्णता की ओर जाएगा, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या ऐसा कौन सा फैक्टर होगा इस बार जो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्या लगता है? देखिए निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आए हैं, हमारा जो यूथ आप लोगों के माध्यम से देख रहा है कि पूरे विश्व में कितना सम्मान एक भारत के प्रधानमंत्री को आज की परिस्थिति मिल रहा है, मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला हुआ। और जो कि हमारा एक राम मंदिर वाला एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको पूरे भारत ने कड़ी के रूप में जोड़ा है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर, और कोई निश्चित रूप से इसमें कोई सोचने विचार करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत सारे मल्टीपल कलर दिख रहे हैं राजनीति में, बहुत सारे रंग दिखते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखते हैं, और विपक्ष में भी जितने रंग है यहाँ पे विपक्ष में उतने सारे रंग दिख रहे हैं यहाँ। देखिए विपक्ष में कोई रंग बचा ही नहीं, विपक्ष पूरा बेरंग हो गया है। अभी रंग जो है पूरा एक ही तरफ, पूरे देश का सारा रंग हमारे मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुका है। रबड़ी वाला गोला खा रहे हैं आप, हरा रंग भी है, रबड़ी भी है, और ऑरेंज रंग भी, यहाँ देखिए साइड ऑरेंज रंग भी है। रंग कौन सा पसंद है आपको? पूरा देश राम मंदिर की लहर है, पूरा देश भगवा रंग में रंगा हुआ है, और पूरे देश के अंदर बीजेपी की लहर चली है, और पूरे देश के अंदर 400 पार का जो हमारा नारा, उसको संकल्प पूरा कर 400 पार का नारा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, मैं इनसे बात करूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं रबड़ी गोला टेस्ट करने के लिए। बेटा आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं आप? ओके, वोट करते हैं आप? वोट देने जाते, वोट किया आपने अभी तक के? अच्छा ये बताइए बेटा, एज अ वुमन क्या लगता है आपको, एज अ वोटर इस बार क्या होगा? चुनाव का माहौल है, चुनाव को पता ही है, चुनाव आ रहे हैं देश में, क्या लगता है क्या होगा इस बार? एज अ वुमन क्या सोच है आपकी? मेरी कोई सोच नहीं है अभी, मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, मेरी कुछ नहीं। चुनाव आ रहे, अच्छा वोट देते हैं आप? वोट तो देती हूँ। क्या सोचते हैं जब वोट देने जाते हैं, मन में क्या होता है? कि जिसको भी वोट देना है वो हमें हेल्प करे ग्रो होने में, लाइक जैसे भी हमारा जो अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, जैसे भी मतलब हमें हेल्प हो जाए, लाइक एज अ यंगस्टर हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे लिए हेल्प हो थोड़ा, तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स में। वैसे मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सर आप बताइए यंगस्टर क्या, युवाओं के मन में क्या है इस बार, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? एज अ यंगस्टर जॉब के लिए अच्छा होना चाहिए, और लड़कियों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए अच्छी बेनिफिट मिलना चाहिए, रिटायर्ड पर्सन को जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। मैम आप बताएं, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे बहुत देर से, नहीं वोट तो देते, वोट तो देने जाते हैं आप? वोट देते हैं ना। कौन सी पार्टी वोट देते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों देते हैं बीजेपी? क्या क्या खास लगता है बीजेपी? हमारे बीजेपी की सरकार बैठी है तो क्या ऐसा? काम कर रही सरकार? हाँ कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही काम? क्या मन में होता है जब वोट देने जाते हैं एज अ यूथ, आप क्या सोचते हैं, कितना सेफ महसूस करते हैं जब भी आप जाते हैं बाहर, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो इस बार कौन सा माहौल पूरे देश में जमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? दिख तो बीजेपी का ही रहा है वैसे, क्योंकि काम भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी चेंज हो रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, AI आ रहा है पर अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ आना चाहिए। कौन से बड़े फैक्टर बेटा इस बार जो चुनाव में प्रभावी रहेंगे, जिनको देख के लोग वोट देने जाएंगे, बड़े दो फैक्टर ऐसे? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, जो भी हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है सिटीज़ में,
और इसकी वजह से ही और तो ज़्यादा ऐसा कुछ और दिखा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है अभी इंडिया की। हाँ, क्योंकि अभी पिछले 10 सालों में इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई है इंडिया की, और आगे इसी की वजह से अच्छी होगी। इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई है इंडिया की। देश की, देखिए, एक माँ अपने बेटे को यहाँ पे जो है गोला खिला रही है। मैम यही रहते हैं, रतलाम में रहते हैं आप, तो हमेशा गोला खिलाने लाते हैं बेटे को? हाँ, अधिकतर। अच्छा ये बताइए, बस चुनाव आ रहे हैं, पता ही है आपको, क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? सर आगे तो बीजेपी ही रहने वाली है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बीजेपी जो है आजकल काम बहुत अच्छा कर रही है। 10 सालों से जो मोदी जी सरकार आई है वो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ को हर जगह में डेवलप कर रही है, तो इसीलिए सर आएंगे तो सर मोदी जी ही। अच्छा, गोले में कौन सा गोला पसंद है आपको, कौन सा गोला अच्छा लगता है आपको? बेटे को तो बिना रबड़ी वाला अच्छा लगता है, लेकिन मैं रबड़ी वाला ही खाती हूँ, तो ये बेटे को खिला रही हूँ। तो कुल मिलाकर जनता का, रतलाम की जनता का जो मूड मीटर है इस बार मिला जुला है। जाके अगर मैं बात करूँ तो रतलामी नमकीन के साथ ही रतलाम की सेव, रतलाम का सैंडविच और रतलाम का जो गोला है खासतौर पर खासा यहाँ प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ पे चुस्कियों का मज़ा लेने के लिए आते हैं। उसी तरह से जो चुस्कियों का जो आनंद लोग लेते हैं और राजनीति का भी आनंद यहाँ पर लेते हुए नज़र आते हैं। मैं यूँ कहीं कि राजनीति का ये ऊँट रतलाम की, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की जो पूरी जनता है 19,74,000 से ज़्यादा, इस बार किसे अपना जो है टेस्ट बनाएंगी, किसे चुनेंगी, सवाल का जवाब तो आगे आने वाला लोकसभा चुनाव की तारीख का, रिजल्ट का दिन ही तय कर पाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम।